असली कहानी गॉड ऑफ वार की। हे टीएमसी आर्मी, दिस इज आशु द होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल। एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गॉड ऑफ वार की रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर। जी हाँ, सो आज वीडियो का पूरा देखना एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना कि आप लोगों को भाई ये वाला जो वीडियो है ये कैसी लगी। एंड दोस्तों, चैनल पे न्यू होना सो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर हमारे चैनल के लिए बहुत जरूरी है। एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, हमने फाइनली 90 के सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। 100 के हम लोग बहुत करीब है, तो करवा दो यार 100 के सब्सक्राइबर्स भी। ओके सो चलिए यार, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपनी रियल लाइफ, अपनी नहीं यार गॉड ऑफ वार की रियल लाइफ स्टोरी को। क्या दोस्तों, आपने ये कभी सोचा है कि गॉड ऑफ वार के सिर पे ये रेड रेड का सा क्या बना हुआ है? एंड इसके साथ एक लड़का जो होता है, यानी आपने अगर इसकी मूवी देखी होगी तो इसकी मूवी में एक लड़का दिखाते हैं जो उसका खुद का लड़का होता है। सो क्या रहा था दोस्तों ऐसा सीन जो कि इसको इतना इतने सारे एडवेंचर्स करने पड़ गए एंड इतनी इतनी जगह पे जाना पड़ गया, इतने सारे जानवर, इतने सारे लोगों को मारना पड़ गया। सो दोस्तों अब मैं आपको सुनाता हूँ इसकी स्टोरी। दोस्तों ये जो गॉड ऑफ वार का जो आदमी था, ये दोस्तों बहुत ही खानदानी आदमी था, यानी कि बहुत पैसे वाला, एंड काफ़ी सारे राज्य जो थे इसके पीछे पड़े हुए थे यानी इसको मारने के लिए। इसने दोस्तों एक लड़की से शादी कर ली थी जिसका दोस्तों एक बेटा हुआ, यानी इसका एक ही बेटा हुआ। एंड उसके बाद जो है इसकी वाइफ का दोस्तों एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जो है दोस्तों उसकी जो वाइफ थी वो अब किसी भी बेबी को यानी बच्चे को पैदा नहीं कर सकती थी। एंड दोस्तों ये जान के जो है हमारा गॉड ऑफ वार का जो ये आदमी है ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, जिसकी वजह से इसने ये ठान लिया कि अब जो भी है मेरा ये ही बेटा है। सो जैसे जैसे वो बेटा बड़ा हुआ, एंड दोस्तों कम से कम 13-14 साल का जब इसका बेटा हो गया, सो उसको काफ़ी सारी तरकीबें सिखाई उसने। एंड जो वो आदमी था, आपको मैं ये भी बता दूँ, उस आदमी को ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी जो कि बड़े बड़े राज्य वालों को, जो कि बड़े बड़े मतलब ट्रेनर्स को तक नहीं आती थी। जी हाँ, सो दोस्तों इसका जो बेटा था एक दिन जो है दोस्तों अकेले जा रहा था, कहीं पता नहीं कहीं दूर गया था अकेले अपने फैमिली को बिना बताए। एंड दोस्तों जैसे वो बिना बताया गया, दूसरे राज्य वालों ने उसके बेटे को जो है दोस्तों अगवा कर लिया, एंड उसके बेटे को जो है दोस्तों एक जंगल से में एक अलग सी जगह में ले गए जहाँ पर काफ़ी सारे एडवेंचर्स थे, यानी कि उस जिसने उसके बेटे को अगवा किया था उसने काफ़ी सारे लोग छोड़ दिए थे, कुछ जानवर छोड़ दिए थे, हजारों आदमी छोड़ दिए थे, ऐसे ऐसे चीज़ें जो दोस्तों छोड़ दी थी जिससे कि उसका जो बाप है उसके आदमी को यानी उसके बेटे को कभी भी लेके ना आ पाए। उसका जो बेटा था दोस्तों एंड उसके बेटे को अगवा किया हुआ था, और गॉड ऑफ वार जो हमारा आदमी था उसको पता चलता है कि उस आदमी ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है। सो उसका एक ही बेटा था एंड जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, किसी की जान भी ले सकता था एंड किसी की जान अपनी जान भी दे सकता था अपने बेटे के लिए। उसने जो है दोस्तों ये ठाना कि मैं अपने बच्चे को अपने बेटे को उससे छुड़ा के जरूर लेकर के आऊँगा। एंड वो जाता है एंड उसके रास्ते में काफ़ी मुसीबतें आती है, काफ़ी लोग उसकी हेल्प भी करते हैं एंड काफ़ी जो है लोग उसका साथ भी देते हैं एंड काफ़ी लोग गद्दार भी मिलते हैं, काफ़ी जानवर भी आते हैं जो कि उसको मारने की सोचते हैं, कभी कभार ये मर भी जाता है। एंड दोस्तों ये जो आदमी है इसके दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ इसको मार देते हैं जो कि दोस्तों इसके बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि इसकी पूरी मतलब जो शरीर होता है दोस्तों उस जगह पे वाइट कलर के यानी रेड कलर की लाइनें खिंच जाती है एंड इसकी जो शक्ल होती है वो पूरी वाइट हो जाती है, यानी जैसे कि पूरे से अपने चेहरे पे पाउडर लगा रखा है। कैसा ना कैसा करके दोस्तों ये अपने बेटे को बहुत एडवेंचर्स के बाद ही अपने बेटे को छुड़ा के लेकर के आता है, लेकिन छुड़ा के लेकर के आता है तो भाई जब दोस्तों इसके सामने छोटी मोटी मुसीबतें कहाँ आने वाली है भाई, बहुत ही बड़ा ड्रैगन या फिर बहुत ही बड़ा तुम लोग ये कहो कि काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी सारे लोग जो है इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों अपने बेटे को पीछे रख के उस मुसीबत को खुद झेलने की कोशिश करता है वो। जी हाँ, सो दोस्तों आपने देखा भी होगा गॉड ऑफ वार। जी हाँ, अगर आपने इसकी मूवी भी देखी है तो मूवी में भी दोस्तों काफ़ी बार इसका जिक्र हुआ है कि अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड दोस्तों इसी स्टोरी को देख के दोस्तों ये वाली जो गेम है ये बनाई गई है। एंड दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें गॉड ऑफ वार गेम के अंदर अपनी मतलब अपनी मर्जी से लगाई गई हैं ताकि जो है गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। जो रियल लाइफ स्टोरी है दोस्तों वो तो इसकी यही है, चाहे आप फेक मानो चाहे आप रियल मानो, अगर आप लोग विकिपीडिया पढ़ते हो तो भाई यही स्टोरी आने वाली है।
सो दोस्तों ये थी हमारी गॉड ऑफ वार की रियल लाइफ स्टोरी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को स्टोरी पसंद आई। तो भाई वीडियो पे न्यू हो तो चैनल पे न्यू हो एंड तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना था कि और लोगों तक ये वाली स्टोरी पहुंचे एंड उनको भी पता चले गॉड ऑफ वार की क्या स्टोरी रही है। सो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब की बना तो कहीं मत जाना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स में बता देना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। सो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों मैं यहाँ से आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस एंड ऑलवेज होप फॉर द best।